भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो भाई मैं इसी बारे में राय लेने के लिए हमारे डोनू अंकल के पास गया और डोनू अंकल से पूछा कि डोनू अंकल आपको क्या लगता है मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए? तो डोनू अंकल का कुछ ऐसा जवाब था, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वो एक नंबर के चूतिया है और हमेशा बकचोदी करते रहते हैं, और खास करके वो इमरान गंडू जो बार बार मेरी गांड चाटने आ जाता है। तो भाई इतना सुनने के बाद मैं डोनू अंकल से बोला कि डोनू अंकल, आप बोल रहे हो तो मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन क्या वो वीडियो चलेगी? तब डोनू अंकल ने कुछ ऐसा कहा, अरे वीडियो चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी, तुम वीडियो तो बनाओ खाली, हमारे अमेरिका के लोग और मैं खुद कमेंट करूंगा तुम्हारे वीडियो के नीचे। मैं पूछा, भाई डोनू अंकल आप क्या कमेंट करोगे? ऑब्वियसली मैं वही कमेंट करूंगा जो बागी सब करते हैं, पाकिस्तान की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। अब दोस्तों, हमारे डोनू अंकल ने इतनी रिक्वेस्ट की है तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना तेल लगाए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की ठुकाई। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? तो दोस्तों, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, वो एक नंबर के चूतिया है और उनका मुखिया है ये गरीबों का चंकी पांडे, जिसे हम प्यार से भी बुला सकते हैं। तो भाई साहब, ये गरीबों का चंकी पांडे बकचोदी पहनने के मामले में किसी की भी नहीं सुनता, नहीं मानते तो ये देखो। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. अरे ओ गरीबों के खानदान से जन्मे हुए नाजायज औलाद, गौर से देख, यहाँ पे है जर्मनी और यहाँ पे है जापान, तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर कहाँ से आ गई? और बॉर्डर ही नहीं है तो बॉर्डर के रीजन पे जॉइंट इंडस्ट्री क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो तो छोड़ो, ये सिर्फ गरीबों की नाजायज औलाद नहीं बल्कि ये तो गजनी की भी नाजायज औलाद है, क्योंकि भाई साहब ये इतना भुलक्कड़ है कि खुद के पार्टी का चुनाव चिन्ह भूल गया था और इसीलिए इसने बल्ले की जगह पे शेर के चिन्ह पे वोट डालने को बोल रहा था। साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करे के जाए और शेर के ऊपर मोर लगाए। अब बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के चतुर के बारे में। जी हाँ, जो थ्री इडियट्स में था ना, वो चतुर रामलिंगन, ठीक वैसा ही कैरेक्टर पाकिस्तान में भी है, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो। सलाम उस कायदे अवाम की तरफ से जिसने अपने जान देकर हमें जीना सिखा दिया। खून बो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। होश की नाखून लो, ये जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, ये ही वो वाहिद निजाम है जो इस मुल्क को चोटता है। ये जो पाकिस्तानी भूसड़ी वाला चतुर है ना, इसने कश्मीर के बारे में भी कुछ बोला था, तो वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। लबंगे लबंगे कश्मीर, पूरा कश्मीर पाकिस्तान का कश्मीर। अरे ओ फॉरेनर की पैदाश, ज्यादा लवांगे लवांगे मत कर, अगर हम लगाने पे आ गए ना तो लगा लगा के इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहां से ले और पादे कहां से? नशे का दस्ता हूँ मैं, मौत के खातिर जिंदा हूँ, मेरा खून का सूरज चमकेगा
तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं भुट्टो हूँ। अभी ये क्या बोलने का तरीका हुआ? एक तो पहले रो ले, या तो फिर हंस ले, या फिर चिल्ला ले, ये कौन से बोलने का ढंग हुआ भाई? और सुन बे पाकिस्तानी चतुर, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं भुट्टो हूँ, बल्कि वो सब इसकी जगह पे कुछ और ही बोलेंगे। Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world. This is and sweeter than honey. हाँ भाई बताओ उसको पीछे से, सालो इंग्लिश नहीं आती तो बोलना क्यों है तुम लोगों को? कितना जुल्म करोगे बेचारे इंग्लिश पे? भाई इंग्लिश हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी भी जिंदा है। मेरे पास लिखी हुई तकरीर तो है लेकिन मैं कोई ज़बानी कोई बातें करना चाहता हूँ। I love all of you. Wait a minute. I love all of you. नहीं सालो तुम पॉलिटिशियंस हो ना, कम से कम तुम लोग तो इंग्लिश का ख्याल रखो यार। अगर नहीं आती इंग्लिश तो भाई यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करो जो आपको अच्छे से अच्छी इंग्लिश सिखा देगी। और दोस्तों आप लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करो यू डिक्शनरी ऐप। और हाँ, यू डिक्शनरी ऐप ने अभी एक मस्त वाला फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है मैजिक ट्रांसलेट। तो आपको बस करना ये है कि आपको यू डिक्शनरी की सेटिंग में जाना है और मैजिक ट्रांसलेट फीचर को ऑन करना है। अब आप फोन के किसी भी टेक्स्ट मैसेज को बिना यू डिक्शनरी में ले जाए ऑन द स्पॉट हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो है ना एकदम धासु फीचर। तो अभी डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप। सुन रहे हो पाकिस्तान वालों, तुम भी डाउनलोड करो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब दोस्तों फिर से आते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे। अब दोस्तों आपको ये जान के थोड़ी खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी नेता बड़े रंगीन मिजाज के हैं, इसलिए हमेशा शायरी बहुत करते हैं। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार गए। मैं भी खायफ नहीं तख्तादार से मैं भी मंजूर हूँ कह दो अग्यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को जहल की बात को मैं नहीं मानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसले के मुंतजिर एक यतीम बेखता ताल सब मुसीबतें हैं दुआ तेरे हुजूर वास्ता हुसैन का तोर जुल्म का फरूब। अब दोस्तों देखो ठीक है कि इनकी गांड में शायर बनने का कीड़ा है लेकिन है तो साले अनपढ़ ना, इसीलिए वो जो घर से रट्टा मार के शायरी याद करके आते हैं ना वो ऑन द स्पॉट भूल जाते हैं। मुदई लाख पूरा चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो ये शेर मेरा आपके लिए भी है, हर वफादार इंसान के लिए है जिसने वफा निभाई, वोट की पर्ची से वफा निभाई, अपने लीडर से वफा निभाई। मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मुझे उन सफों में क्या है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। अब दोस्तों मौसम इतना शायराना हो ही गया है तो मैं भी कुछ आपको सुना देता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे डोनू अंकल की दुकान, ऊपर इमरान रंडी का मकान। नीचे डोनू अंकल की दुकान, ऊपर इमरान रंडी का मकान। इमरान गांड देने को तैयार, डोनू अंकल गांड लेने को तैयार। तो बोलो पाकिस्तान बहुत सही का। एक जलेबी तेल में इमरान गया जेल में, जेल में आया भूत इमरान खान। तो
तो दोस्तों आप लोगों ने मेरी शायरी तो सुन ली होगी। अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगी तो प्लीज यार भारत सरकार की ओर से मेरे लिए एक भारत रत्न की मांग जरूर कर लेना। और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। और हाँ भाई, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई शायर तो नहीं, मगर जब से इस गांडू को देखा ना तब से मुझको शायरी आ गई। की आवाम को ये खबर देना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहे, ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। अरे मैडम साहिबा, ची ची ची, कितना गंदा बोलती हो आप लोग। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं। खानू के खान अमरान खान, 14 अगस्त को इस्लामाबाद, शेरवानी और जिला कप के साथ अल्लाह की मेहरबानी से जलवाए फरोज होंगे। अब सब दुआ करें, एक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे सुने अल्लाह प्यारे अल्लाह। एक दिन रह गया मुख्तर तरीन की हिसाब से दरख्वास्त। अबे भोसड़ी के काय को तेरे को इतनी जल्दी है, वैसे भी चिपकी हुई घूसी सकल है तेरी, ना तेरे को कोई काम धंधा है, तो टट्टी से सकल के तेरे को जाना का है, काय को इतनी गाय कर रहा है। कहीं पे भाई इमरान खान ने चड्डी में हक दिया तो उसकी गांड तो नहीं धोने को जाना तेरे को। बरसों पहले स्कूल में पढ़ा कौमी तराना तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन क्या यार खान ने पार्लियामेंट को पाकिस्तान का कौमी तराना आज भी याद है, आइए उनसे सुनते हैं। पाक सर जमीन शाद बाद, काफी तू निशाने अजमे आली शान अर्जे पाकिस्तान, नहीं नहीं वो तो आखिर तक। 15 साल हमने मुसलसल ये तराना स्कूल्स में और फिर कॉलेज के जमाने में हमने सुनाया है और आखिर में है किस्सा खुदाय जुल जलाल। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तापिंदा बा, तू निशाने अर्जे पाकिस्तान। इन देशभक्तों को अपने देश का राष्ट्रगीत भी याद नहीं। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी सिर्फ वीडियो खत्म हुई है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की टुकाई नहीं। अभी जो आप लोगों ने वीडियो में बकचोदी देखी ना, वो तो कुछ नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे नमूने दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अखंड चुतियों का टैग दे दोगे। तो जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, और उसे डाउनलोड करने के बाद मैजिक ट्रांसलेट इस फीचर का भरपूर फायदा उठाना। और भाई लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब के साथ साथ उस बाजू वाले घंटे को भी दबाओ ताकि जब भी नया वीडियो डालू तो आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।